इधर घुसपैठ डेमोग्राफी जैसे मुद्दों को हवा देने पर जेएमएम ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी की मंशा झारखंड में झारखंडियों को आपस में लड़ाने की है। बाबूलाल मरांडी ने जब पहली बार 2000 ईस्वी में नवंबर में गति संभाली थी, घुसपैठ उस समय से शुरू हुआ था और इस घुसपैठ के पानी और निगहबान वही खुद बाबूलाल मरांडी जी थे और ये और निशिकांत दुबे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इनको सपने में भी हेमंत सोरेन की जो लोकप्रियता है वो काटने और मारने के लिए दौड़ा रही है, जिसका नतीजा है ये तरह तरह के हथकंडे अपना करके और यहाँ पर लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। जैसे आदिवासी के जनसंख्या, मुस्लिमों और अन्य लोगों की जनसंख्या को जो विरोधाभास दिखा करके और ये करना चाहती है कि किसी तरीके से जो आदिवासी मुसलमान अल्पसंख्यक और जो सदन है यहाँ के वो एकजुट हो गए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए कोई भी तरीका अपनाओ, किसी भी तरीके से इनके बीच में फूट पैदा करो, इनके बीच में दरार पैदा करो, लड़ाई पैदा करो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।